सो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि आपको 15,000 के प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है। तो ये वीडियो उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है जिनको 15,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छी खासी गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों उन्हीं गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी खासी फीचर्स देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पावरफुल चिपसेट तो देखने को मिलेगा ही, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। और वहीं आपको 6,000 mAh तक का लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, 65W का सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट और आपको 120Hz का जो स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो आपका बजट अगर 15,000 प्राइसिंग के आसपास है और एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन आप बाय करने के सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और इसी तरह के डेली कॉन्टेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम एक 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपको 5G के साथ साथ परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच का दिया गया है। तो आप जरूर से वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटोरोला G40 फ्यूजन स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.78 इंच का एक फुल HD प्लस का IPS डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, साथ ही HDR10 का भी सपोर्ट दिया गया है। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको काफ़ी स्मूथ दिया गया है, साथ ही आपको रियर साइड की ओर जो है फिंगरप्रिंट का सेंसर भी देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें तो ये डिवाइस जो है 64MP ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहाँ पे मेन सेंसर 64MP का मिलता है। इसके अलावा आपको 8MP का वाइड एंगल लेंस एंड आपको 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही आपको फ्रंट में जो है 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट बात करी जाए इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6,000 mAh का बिग बैटरी का सपोर्ट मिलेगा, जिसे चार्ज करने के लिए 20W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको पावरफुल गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट यूज़ किया गया है जो कि 8nm की टेक्नोलॉजी बिल्ड है। और यहाँ पे आपको एड्रीनो 618 का GPU देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस आपको प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग डेफिनेटली काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का फील मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी फालतू के ब्लॉटवेयर्स या फिर आपको कोई भी ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपका यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहने वाला है। और ये डिवाइस आपको बेस ब्रांड 4G प्लस 64GB का प्राइसिंग 14,000 देखने को मिल जाता है। और वहीं इसका जो दूसरा ब्रांड है वो आपको 6G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग आपको करंट टाइम में जो है 16,000 देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, इस प्राइस रेंज में आपको स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए और दमदार गेमिंग करना चाहते हैं और वहीं आपको बिग बैटरी चाहिए, तो इस डिवाइस को आप जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की ओर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं Realme 8 5G के बारे में जो कि कुछ वीक पहले इंडिया के अंदर आया है। यहाँ पे आपको मिलता है 6.5 इंच का एक IPS डिस्प्ले, जहाँ पे आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले दिया गया है। और यहाँ पे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको इंस्टेंट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सिक्योरिटी दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिलता है 48MP का मेन सेंसर, 2MP का डेप्थ एंड 2MP का मैक्रोलेंस दिया गया है, यानी कि यहाँ पे आपको ट्रिपल ईयर कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही आपको फ्रंट पे मिलेगा 16MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। और यहाँ पे आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स मिल जाएगा। और वहीं आपको पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 700 का एक 5G चिपसेट यूज़ किया गया है जो कि 7nm की टेक्नोलॉजी बिल्ड है। और यहाँ पे आपको माले G57 का GPU दिया गया है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको प्राइस के अकॉर्डिंग रियली काफ़ी दमदार मिलेगा। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो है स्नैपड्रैगन के 732 जैसा ही देखने को मिलेगा। और प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस आपको 4G प्लस 128GB बेस वेरिएंट का प्राइसिंग जो है 15,000 देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसका जो दूसरा मॉडल है वो आपको 8G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है, जिसका प्राइस आपको 17,000 देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आपको इस प्राइस रेंज में एक 5G फ़ोन चाहिए और आपका पर्पस है कि हम गेमिंग भी काफ़ी अच्छी खासी करें, तो ये डिवाइस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फ़ोन के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पोको X3 के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस का IPS पैनल डिस्प्ले जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और यहाँ पे भी आपको HDR10 का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। कैमरा की बात करें तो ये डिवाइस आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन सेंसर आपको 64MP का दिया गया है। इसके अलावा आपको 13MP का वाइड एंगल लेंस एंड आपको बाकी के 2-2MP का सेंसर देखने को मिल जाता है। और आपको फ्रंट में जो है 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और इस डिवाइस का कैमरा आपको प्राइस के अकॉर्डिंग रियली काफ़ी बेटर है। इसके साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 6000 mAh का मैसिव बैटरी यूज़ किया गया है,
जहाँ पे आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स मिलेगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मिलता है डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट, तो यहाँ पे आपका ऑडियो एंड वीडियो एंजॉय करने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। और वहीं आपको पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट दिया गया है, तो आपको प्राइस रेंज के हिसाब से परफॉर्मेंस जो है रियली काफ़ी दमदार मिलेगा, आप काफ़ी तगड़ी लेवल का गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही ये स्मार्टफोन जो है 14,500 के प्राइसिंग में देखने को मिलता है, जो कि आपको 6G+ 64G बेस ब्रांड के साथ में आता है। और वहीं इसका जो दूसरा मॉडल है वो आपको 6G+ 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा, जिसका प्राइसिंग आपको फिलहाल जो है 17,000 देखने को मिलता है। तो इससे बेटर रहेगा कि आप मोटोरोला के मोटो G40 फ्यूजन स्मार्टफोन के ही बाय करें, जहाँ पर आपको 16,000 के प्राइसिंग में ही 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, लेकिन आप इसके बेस ब्रांड को बाय कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको 14,500 के प्राइसिंग में दमदार गेमिंग चाहिए, बिग बैटरी चाहिए और आपको अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए और आपको स्टीरियो स्पीकर चाहिए, तो इस डिवाइस को जरूर से देख सकते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। तो ये डिवाइस आता है रियलमी की तरफ से नार्जो 20 प्रो, जहाँ पर आपको दमदार फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, साथ ही आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ी वाली देखने को मिलेगा। तो इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस का आईपीएस डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। और वहीं आपको सिक्योरिटी के लिए साइड मॉनिटर फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। और आपको कैमरा मिलेगा क्वाड रियर कैमरा, जहाँ पे मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस एंड बाकी के 2-2 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है। और वहीं आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करें तो ये डिवाइस जो है 4500 mAh बैटरी के साथ में आता है, बट यहाँ पे आपको मिलता है 65W का सुपर चार्जिंग का सपोर्ट, जो कि आपके डिवाइस को अप्रॉक्स जो है 30 मिनट के अंदर ही 0-100% चार्ज कर देता है। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है मिनीटेक की तरफ से हीलो G95 का एक गेमिंग चिपसेट, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बिल्ड है। और यहाँ पे आपको माली G76 का GPU दिया गया है, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे प्राइस रेंज के हिसाब से टॉप नॉच का दिया गया है, आप तगड़ी लेवल का गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही स्मार्टफोन जो है 6G+ 64G बेस ब्रांड के साथ देखने को मिलेगा, जिसका प्राइसिंग 13,000 है। और वहीं इसका जो दूसरा मॉडल है, जो कि आपको 17,000 के प्राइसिंग में आता है, जो कि आपको 8G+ 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। इसका जो बेस ब्रांड है आप उसी को बाय करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दोस्तों, अगर आपको 13,000 के प्राइसिंग में एक गेमिंग स्मार्टफोन खोज रहे हैं, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग कर पाएँ, साथ ही आपको अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए, तो ये डिवाइस आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। सो दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं रियलमी की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन रियलमी 8 के बारे में, जो कि करीब कुछ वीक पहले इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे हमें रियलमी की तरफ से काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, लेकिन अच्छी बात है कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आप वीडियो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे जो है पंची कलर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको सिक्योरिटी के लिए जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाता है। और ये डिवाइस आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहाँ पे मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिलेगा। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस एंड बाकी के 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड मैक्रो लेंस दिया गया है। और आपको फ्रंट में जो है 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, और इस डिवाइस का कैमरा आपको प्राइस के अकॉर्डिंग बेटर है। तो अब बात कर जाए इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh का मैसिव बैटरी देखने को मिलेगा, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 30W का सुपर चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए मिनीटेक की तरफ से हीलो G95 का चिपसेट दिया गया है, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। और ये डिवाइस आपको 4G+ 128GB का प्राइसिंग जो है 15,000 देखने को मिल जाता है। और वहीं इसका जो दूसरा मॉडल है वो आपको 6G+ 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा, जो कि आपको आज के डेट में 16,000 के प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको इस प्राइस रेंज में एक अच्छी खासी डिस्प्ले चाहिए, जहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए और आपको दमदार गेमिंग करनी है, तो आप इस डिवाइस को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, यही था मेरे तरफ से टॉप 5 गेमिंग फोन्स अंडर 15,000। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, साथ ही वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहीं आपको कौन सा डिवाइस जो है सबसे बेस्ट लगा, आप जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।